लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पौड़ी उपरोड़ा SDM ने किया क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण। जिला कोरबा अंतर्गत तहसील पौड़ी उपरोड़ा के SDM श्री अरुण खलगो ने क्वारंटाइन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया है। ब्लॉक पौड़ी उपरोड़ा में टोटल 22 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें आज SDM ने तानाखार व सिंधिया का निरीक्षण किया। SDM खलगो ने बताया कि ग्राम सिंधिया के हाई स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहां अभी की स्थिति में 39 प्रवासी मजदूर मौजूद हैं और ये सभी अलग अलग राज्यों से आए हैं, जिन्हें यहां क्वारंटाइन किया गया है। अभी तक 25 प्रवासी मजदूरों की सैंपलिंग की जा चुकी है और रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें उनके निवास स्थान पर भेजने की प्रक्रिया की जाएगी, जो कि पूरे नियमों के तहत होगी, तथा घर में भी इनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। SDM ने आगे यह भी बताया कि सेंटर में इनके रहने व खाने की भी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों की खास बात यह रही कि यहाँ रोजाना सुबह इनको योग कराया जाता है और शाम होते ही भजन भी कराया जाता है। क्लिपा 28 के लिए पौड़ी उपरोड़ा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। सर, अभी आप सिंधिया के हाई स्कूल में आए हुए हैं, जो कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे किस प्रकार का निरीक्षण कर रहा था? पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में टोटल 22 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। आज मेरे द्वारा तानाखार क्वारंटाइन सेंटर और ये सिंधिया हायर सेकेंडरी स्कूल जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उनका मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। और यहाँ आज की स्थिति में 39 जो प्रवासी मजदूर हैं, जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों से जो आए हैं, उनको यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया, जिसमें 25 लोगों का टेस्ट सैंपल हो चुका है। और जिन जिन सभी नेगेटिव आए हैं और इनके द्वारा 14 दिन का जो क्वारंटाइन जो रखा जाना है, उनके द्वारा पूर्ण किया गया है, तो आज दिनांक को उनको यहाँ क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ा जाएगा और 14 दिन होम क्वारंटाइन के लिए पंचायतों को निर्देशित किया जाकर यहाँ एक शपथ पत्र भरवा के उन्हें उनके घर रवाना किया जाएगा, जो यहाँ से जाने के बाद में 14 दिन घर में ही क्वारंटाइन में रहेंगे। सर, इनके लिए और बाकी कैसी व्यवस्था है, जैसे खाने के लिए, पाने के लिए? हाँ, यहाँ पे सुबह चाय और नाश्ता सभी को दिया जा रहा है और दोपहर में भोजन और 3 बजे के आसपास एक बार फिर इनको चाय दिया जा रहा है और शाम को खाना दिया जा रहा है। और जो छोटे बच्चे हैं, उनको यहाँ के जो सेंटर प्रभारी है, उनके द्वारा कुछ खिलौने भी इनको दिए गए हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सुबह योगा भी कराया जा रहा है और शाम को भजन वगैरह भी यहाँ पे सुना जा रहा है। सर, काफ़ी, जैसा आप बता रहे हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर। और बाकी अभी किसी मरीज में कोई सिम्टम वगैरह नज़र थोड़ी आ रही है? नहीं, अभी यहाँ किसी के ऊपर सिम्टम तो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे द्वारा डॉक्टर से भी जांच कराई गई है और जो सैंपल लिए गए हैं, जो नेगेटिव हैं, उनको क्वारंटाइन पीरियड पूर्ण करने पर इनको आज घर के लिए छोड़ा जाएगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.